नमस्कार दोस्तों, आज मेरे हाथ में आप लोग देख सकते हैं एक लिथियम आयन बैटरी है। ये जो लिथियम आयन बैटरी है ये मुझे लोकल मार्केट में ही बहुत ही सस्ते दाम में मिला है। अगर आप भी अपना लोकल मार्केट से ये बैटरी को बहुत ही सस्ते दाम में ख़रीदना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। दोस्तों, इस बैटरी को लोकल मार्केट से बहुत ही सस्ते दाम में ख़रीदने के लिए आपके लोकल मार्केट में लैपटॉप का रिपेयरिंग का दुकान होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको वहां पर जाना पड़ेगा, उसके बाद में उनको बोलना पड़ेगा कि भाई हमें लैपटॉप के अंदर से जो ख़राब बैटरी निकलता है उसको दे दीजिए। तो अगर वो आपका जान पहचान वाला होंगे तो आपको फ्री में दे देंगे, तो ये बैटरी आपको फ्री में मिल जाएगा। अगर आपका जान पहचान वाला नहीं होंगे तो आपसे 50 से लेकर 100 रुपये के अंदर में कुछ चार्ज करेंगे और जितना भी बोलेंगे उनको दे देना है, और इस प्रकार का जो बैटरी पैक है इसको लेके आना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो बैटरी पैक है ये मुझे 100 रुपये में मिला है। तो इसके अंदर से 4 या 6 बैटरी मिलेगा इस प्रकार का, और उसमें से 1-2 बैटरी ख़राब होता है और बाकी सारे अच्छे होते हैं। और कभी कभी इस बैटरी पैक के अंदर से जितने भी सारे बैटरी निकलते हैं वो सभी अच्छे होते हैं, सिर्फ इसके अंदर में जो BMS सर्किट लगा हुआ होता है वही ख़राब होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको खोल के देखते हैं। तो फिलहाल अभी मैंने इसको चाकू से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोस्तों प्लास्टिक का कवर होता है। तो फिलहाल दोस्तों इसके अंदर में हमारा 6 बैटरी है, और कोई कोई लैपटॉप बैटरी पैक के अंदर में हमारा 4 बैटरी होता है, तो ये बढ़िया बात है 6 बैटरी है। तो इसमें से ये सारे बैटरी को हमें निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा 6 बैटरियां निकल चुके हैं, और इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बोला था एक सर्किट होता है जिसको BMS बोलते हैं, ये बैटरी को मैनेज करके रखने के लिए, इसको अच्छे से चार्ज करने के लिए और प्रोटेक्शन देने के लिए, ये जो सर्किट है दोस्तों यही है। तो कभी कभी दोस्तों ये BMS ही हमारा ख़राब होता है और बाकी के ये जो 6 बैटरियां हैं ये सही होते हैं, और कभी कभी इनमें से 1, 2 या फिर 3 बैटरियां ख़राब भी निकलते हैं। तो ये दोस्तों आपके लक के ऊपर में डिपेंड करता है, अगर आपका लक बहुत ही अच्छा होगा तो आपका सारे बैटरी अच्छे निकलेंगे। चलिए दोस्तों, ये जो बैटरी हमारा है ये हमारा पैरेलल में और सीरीज में कनेक्शन हुआ है, इनको सबको हमें अलग करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी मैंने सारे बैटरी को अलग कर लिया हूँ, इनका जो निकल स्ट्रिप के साथ में स्पॉट वेल्डिंग हुआ था और कनेक्शन हुआ था उसको मैंने हटा लिया हूँ इस प्रकार का जो कटर होता है इसके माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर मल्टीमीटर से एक एक बैटरी को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा मल्टीमीटर है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर 20 वोल्ट DC में लगाना है, और इसके बाद में एक एक बैटरी का जो प्लस और माइनस वाला टर्मिनल होता है वहाँ पर हमें ये दोनों प्रोब को लगाना है। देखिए यहाँ पर ये जो ये वाला हिस्सा होता है ये प्लस होता है, इसके चारों तरफ में आपको छोटा छोटा छेद देखने को मिलेगा, और ये वाला हिस्सा बैटरी का माइनस होता है, ये बिल्कुल प्लेन देखने को मिलेगा। तो चलिए इस बैटरी पर मैंने लगाता हूँ मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को। तो यहाँ पर दोस्तों 1.40 दिखा रहा है, तो इसका मतलब इसमें दोस्तों थोड़ा सा चार्ज नहीं है। तो इसको अभी हम साइड में रखते हैं, और इसके बाद में इस बैटरी में देखते हैं, इसमें भी दोस्तों 1.40 दिखा रहा है, तो इसको भी हम इस कैटेगरी में रखते हैं। और इसके बाद में दोस्तों ये वाला बैटरी को चेक करते हैं, तो इसमें दोस्तों देख सकते हैं 0.65, इसमें बहुत ही कम वोल्टेज है, इसको हम साइड में रख लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद में इस बैटरी का देखते हैं, इसमें भी दोस्तों इतना ही, तो इसको हम यहाँ पर रखते हैं। और इसके बाद में दोस्तों हम इसमें देखते हैं, इसमें दोस्तों कोई भी वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं अच्छे से लगाता हूँ, 0.76, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो इसका देखते हैं, इसमें भी दोस्तों इतना ही। तो दोस्तों यहाँ पर सारे बैटरी में बहुत ही कम चार्ज दिखा रहा है। तो दोस्तों अभी मैंने सारे बैटरी का वोल्टेज आपको चेक करके दिखा दिया, अभी सभी बैटरी में से कितना बैटरी अच्छे हैं इसको चेक करने के लिए यहाँ पर मल्टीमीटर को हमें ये कंटिन्यूटी वाला मोड पर लगाना पड़ेगा। और इसके बाद में हम जब वोल्टेज चेक कर रहे थे बैटरी में, तो बैटरी का प्लस पर ये जो हमारा मल्टीमीटर का रेड वाला प्रोब को, और बैटरी का माइनस पर मल्टीमीटर का ब्लैक वाला प्रोब को लगा रहे थे। अभी हम उल्टा लगाएंगे, यानी कि बैटरी का प्लस पर मल्टीमीटर का ये ब्लैक कलर का प्रोब को,
और बैटरी का माइनस पर मल्टीमीटर का रेड कलर का प्रोब को ऐसे लगाएंगे उल्टा करके, तो अगर आवाज़ आएगा तो उसका मतलब हमारा बैटरी सही है, अगर आवाज़ नहीं आएगा मल्टीमीटर से तो उसका मतलब हमारा बैटरी ख़राब है। तो देखिए इसमें हमारा साउंड आ रहा है मल्टीमीटर से और कुछ वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों ये बैटरी हमारा सही है। और इसके बाद में इस बैटरी में देख लेते हैं इसमें साउंड आ रहा है या फिर नहीं, तो इसमें भी दोस्तों हमारा साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी दोस्तों हमारा सही है। और ये वाला बैटरी को देख लेते हैं, तो इसमें भी दोस्तों हमारा साउंड आ रहा है, ये भी हमारा सही है। इसको देख लेते हैं, इसमें भी दोस्तों हमारा साउंड आ रहा है, ये भी हमारा सही है। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा बैटरी में से चार्ज नहीं था, जिस वजह से हमारा सभी बैटरी में लो वोल्टेज दिखा रहा था। तो इसमें भी दोस्तों साउंड आ रहा है, ये बैटरी भी हमारा सही है। और इसको चेक कर लेते हैं, तो देखिए इसमें भी दोस्तों हमारा साउंड आ रहा है। यानी कि दोस्तों ये 6 के 6 बैटरियाँ हमारा सही है। सिर्फ हमारा ये जो BMS है, मैं आपको बताया था ना कभी कभी हमारा BMS ही ख़राब निकलता है और सारे बैटरी हमारा सही होता है, तो ये BMS ख़राब हो जाने की वजह से हमारा सारा बैटरी चार्ज नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए इसमें बहुत ही कम वोल्टेज है। अगर हम इसको चार्ज कर देंगे तो इसमें हमारा ठीक ठाक वोल्टेज आ जाएगा, इसमें जितना वोल्टेज होना चाहिए। ये सभी बैटरी जो होते हैं 3.7 वोल्ट का, ये अगर फुल चार्ज होते हैं तो इसमें दोस्तों हमारा 4.2 वोल्टेज दिखाता है। ये 3.7 वोल्ट इसका नॉमिनल वोल्टेज होता है।